हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर सेन सना। सो गुड न्यूज़ ये है कि मेरा वीज़ा आ गया है, लेकिन मेरे यूरोप ट्रिप में अभी टाइम है और लास्ट के कुछ दिनों में मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ पैकिंग और जिस काम से मैं जाने वाली हूँ उसकी प्रिपरेशन, इसलिए मैं घर जा रही हूँ अभी फ़िलहाल और आपको मैं लेके चलती हूँ अपने साथ घर। तो मेरे घर जाने के कुछ रीजंस हैं और वो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। 3-4 रीजंस हैं वैसे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये रहता है कि इतने दिनों बाद फिर से फैमिली को मिलना। सो लो, बातें करते करते अब मेरा स्टेशन आ गया है, तो अब मैं पहुंचने वाली हूँ अपने घर। अच्छा खेल मिल गया। मैंने भी ढूंढ लिया, चल अब बैग, चल अब बैग, तेरा बैग तेरी मम्मी पास है। तो मेरा दूसरा रीज़न ये है कि नेक्स्ट डे थी महाअष्टमी और मैं हमेशा फास्ट रखती हूँ नवरात्रों के, सो कोशिश यही रहती है कि मैं अष्टमी पे घर पे ही रहूँ। आशु उससे भी दिलवाओ ना, छोटी सबसे छोटी गंजक से, छोटी गंजक तो प्लेट में हाथ ले लेगी। जोर से बोलो, जय माता दी। उच्चा बोलो, जय माता दी। मैं नहीं सुनिया, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। चलो अब आशु की बारी। हाँ भैया को जोर से देनी है काफी। सो कल हम लोगों को कहीं जाना है और ये एक और रीज़न था मेरे घर आने का, और इसीलिए मम्मा और मैं अब आ गए हैं पार्लर में। तो मैं आई थी, यहाँ पे काम शुरू हो गया लेकिन कोई काम शुरू नहीं, हमें अभी टाइम लगने वाला है। कितना टाइम लगने वाला है यही बताएंगे। सर्विस कैसी है क्या है मैं आपको बाद में बताऊँ। नेक्स्ट रीज़न है मेरे कज़न की एंगेजमेंट। और पता है तैयार होते होते इतनी तेज़ बारिश आ गई ना, अनु तूने ज़रूर कढ़ाइयाँ चाटी होनी है। कांग्रेचुलेशन।
भाई मुझे लग ही नहीं रहा मैं अपने फंक्शन में, मुझे मैं किसी और का फंक्शन करवा रहा हूँ। पापा पकड़े गए, छुप छुप के मिठाई खा रहे हो। पुष्टि Thank you.
चलो मैं तो करती हूँ अब इंजॉय, आप मेरे साथ हमेशा बने रहना। व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यस, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हर लाइफ के मोमेंट को आपके साथ शेयर करूँ एज अ फैमिली। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, एंड तब तक के लिए टाटा बाय।